नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी आई क्यू जी के पर। आज मैं आपके लिए अक्टूबर 2020 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और इस वीडियो का डिटेल वाला PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेस्टर्न कोलफील्ड्स कंपनी के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, मनोज कुमार। मनोज कुमार जो है फ्रेंड्स, ये वेस्टर्न कोलफील्ड्स कंपनी के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी CMD बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की, भारत सरकार की। फ्रेंड्स, ये कोयला कंपनी है और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय डाक दिवस यानी नेशनल पोस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। और डाक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच पोस्टल सेवा के बारे में प्रचार प्रसार करना है और डाक सेवाओं के महत्व और योगदान के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ये आपने ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश में मनोज कुमार भारती को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में है, राजधानी जकार्ता है, लेकिन अभी चेंज होकर ईस्ट कालीमंतान हो गया है। करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया और राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। ये भी आपने ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्बानिया। अल्बानिया देश में राहुल श्रीवास्तव को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है अल्बानिया की। अल्बानिया जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी का नाम है तिराना, अल्बानिया की करेंसी है अल्बानियाई लेक और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एदी रामा। बात करें राष्ट्रपति की, इलिर मेटा हैं। फ्रेंड, जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ अपनी हर वीडियो में। और इसका जो फ्रेंड्स PDF है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप डाउनलोड जरूर कर लेना। और या मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK पे डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 10.3%। IMF ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जो GDP है, GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? 10.3% यानी -10.3%। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है IMF की। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1945 को। इसका जो हेडक्वार्टर है Washington DC USA में है। सदस्य देश 189 है, अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य कहाँ शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। एशिया की जो सबसे लंबी सुरंग है जिसका नाम है जोजिला सुरंग, इसका निर्माण कार्य जो है जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, भारत। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है ISA की। ISA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। और फ्रेंड्स, इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है उपेंद्र त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश जो है फ्रेंड्स, ये आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है, मतलब नंबर एक पर रहा है। फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो इंडेक्स या सूचकांक वाला क्वेश्चन होता है उसमें आपको टॉप
तीन देश के नाम पता होने चाहिए और जारीकर्ता कौन होते हैं यह भी पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यह सूचकांक जो होता है दर्शाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। अब फ्रेंड्स मैं आपको टॉप तीन देशों के नाम बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ न्यूजीलैंड जो है नंबर एक पे है, नंबर दो पे काफ़ी सारे देश हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, साउथ कोरिया, और नंबर तीन पे भी काफ़ी सारे देश हैं स्पेन, स्वीडन, बेल्जियम, फ्रांस, फिनलैंड और इटली। इसमें फ्रेंड्स आपको ना भारत की जो रैंक है 58 ये पता होनी चाहिए और न्यूजीलैंड जो है नंबर एक पे ये पता होना चाहिए क्योंकि देश इसमें जो सेकेंड और थर्ड नंबर है इसमें काफ़ी सारे देश आ गए हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स इसके जो जारी करता है वो है आर्टन कैपिटल संस्था, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सी इज़ फॉर कैट एंड डी इज़ फॉर डिप्रेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सही आंसर है ऑप्शन डी कैरवी भरत राम। कैरवी भरत राम जो है फ्रेंड्स इनके द्वारा सी इज़ फॉर कैट एंड डी इज़ फॉर डिप्रेशन नामक पुस्तक को लिखा गया है और फ्रेंड्स कैरवी भरत राम जो है भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने राज्य सिविल सेवाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब राज्य की सरकार ने सिविल सेवाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे पंजाब की बात हुई है तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, यहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और गवर्नर हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसने IMF की मंत्री स्तर की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की बैठक में हिस्सा लिया है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन ने IMF की मंत्री स्तर की जो बैठक है इसमें हिस्सा लिया है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स निर्मला सीतारमन जो है हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इंडेक्स और सूचकांक वाला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी 94वें नंबर पर रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि इस इंडेक्स से हम यह पता करते हैं कौन सा देश भुखमरी से कितना पीड़ित है और इसके आधार पर यह गणना की जाती है। फ्रेंड देखो मैंने आपको बताया कि भारत जो है 94वें स्थान पे है, आपको ये पता होना चाहिए कि टॉप तीन देश कौन से हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, बेलारूस जो है नंबर एक पे है, यूक्रेन नंबर दो पे है और तुर्की जो है नंबर तीन पर है। अब मैं आपको जारीकर्ता बता देता हूँ, इस रिपोर्ट को आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड एजेंसी और जर्मनी की वेल्थू नेगलिफे एजेंसी ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, न्यूजीलैंड के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन बी जैसिंडा अर्डन। जैसिंडा अर्डन जो है ये न्यूजीलैंड के फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो का जो PDF है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात हुई है, राजधानी वेलिंगटन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है, प्रधानमंत्री का नाम जैसिंडा अर्डन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए सरगई गोर्शकोव। सरगई गोर्शकोव जो है इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए सरगई गोर्शकोव जो है ये रूस देश की हैं और फ्रेंड्स भारतीय भी हैं जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्ल्ड बैंक की 112वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन ने वर्ल्ड बैंक की 112वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और निर्मला सीतारमन हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है विश्व बैंक की, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी July 1944 को, हेडक्वार्टर Washington DC में है, MD & CEO हैं अंशुला कांत, अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार 2020 में सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो हैं ये हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार 2020 के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, टॉप तीन व्यक्तियों के नाम जो कि इस लिस्ट में जिन्होंने टॉप किया है हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में, तो फ्रेंड्स मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं नंबर एक पे रहे हैं, हिंदुजा ब्रदर्स जो कि हिंदुजा ग्रुप के हैं ये नंबर दो पे रहे हैं, शिव नाडर जो कि SCL कंपनी के हैं ये नंबर तीन पे रहे हैं, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
शांति नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए WFP। WFP को शांति नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात WFP की हुई है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। स्थापना 19 दिसंबर 1961 को हुई थी, मुख्यालय रोम इटली में है और इसकी जो फ्रेंड्स पेरेंट संस्था है वो संयुक्त राष्ट्र है। ये आपने ध्यान रखना है, WFP को शांति नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो रसायन विज्ञान में 2020 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है एम्यूनल चारपेंटियर जेनिफर डार्डना को। ठीक है, दो लोगों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 का। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें चिकित्सा नोबेल पुरस्कार 2020 की, तो हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन, इन तीनों को चिकित्सा नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स वहीं अगर हम बात करें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की, तो रॉजर पेनरोस, रेइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज, इन तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 में। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 की, तो लुइस गल्क को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य के डल्ले खुरसानी मिर्ची को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी सिक्किम। सिक्किम राज्य का जो फ्रेंड्स डल्ले खुरसानी मिर्ची है, इसे भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स मैं आपको GI टैग के बारे में बता देता हूँ। GI का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेत। और GI टैग जो होता है किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बंगाल PLS कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए सौरव गांगुली। सौरव गांगुली जी हैं फ्रेंड्स ये बंगाल PLS कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और फ्रेंड्स ये जो बंगाल PLS कंपनी है, ये कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है और ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ठीक है, आप बोल सकते हो रियल इस्टेट कंपनी है। और सौरव गांगुली पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में वृद्धों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार को रोकना है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 की थीम क्या है, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स ये है पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक सड़कों वाला पहला शहर कौन सा बन गया है जो सार्वजनिक बसों को चार्ज करेगा? सही आंसर इसका ऑप्शन बी तेल अवीव। तेल अवीव जो है फ्रेंड्स ये इसराइल देश में है। ये इलेक्ट्रिक सड़कों वाला पहला शहर बन गया है जो सार्वजनिक बसों को चार्ज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य सरकार ने पर्यटकों को लुभाने के लिए ओडिशा बाई रोड अभियान को शुरू किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने पर्यटकों को लुभाने के लिए ओडिशा बाई रोड अभियान को शुरू किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है ओडिशा की। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं, लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 147 है। किसने ऑपरेशन मेरी सहेली को शुरू किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली को शुरू किया है। और फ्रेंड्स ये जो ऑपरेशन मेरी सहेली का मुख्य उद्देश्य है, ट्रेन में यात्रा के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराना है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है दक्षिण पूर्व रेलवे की, इसका हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी ओडिशा। ओडिशा राज्य में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और फ्रेंड्स ओडिशा का जो 1200 है यहाँ से ही इसका परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए कितने व्यक्तियों को चुना गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 14।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना को शुरू किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना को शुरू किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है आंध्र प्रदेश की, स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, राजधानी अमरावती है, मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं, और वहीं अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश की जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 175 है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान नामक योजना को शुरू किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान नामक योजना को शुरू किया है। और फ्रेंड्स ये जो पथश्री अभियान है यह एक सड़क मरम्मत योजना है जिसमें सड़कों का निर्माण आधुनिक तरीके से किया जाएगा ताकि सड़क दुर्घटनाएं कम हो सके। फ्रेंड्स अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं, मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन हैं, लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 294 हैं पश्चिम बंगाल की। किस राज्य ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में 8 पुरस्कार जीते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में 8 पुरस्कार जीते हैं। गरीब कल्याण रोजगार मिशन के तहत गाँव में स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे हुई है उत्तर प्रदेश की, राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं, लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है और विधानसभा सीट 404 है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितनी भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयद अनवरा तैमूर का निधन हो गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी असम। असम राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयद अनवरा तैमूर का निधन हो गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे असम की बात हुई है, राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल हैं, गवर्नर जगदीश मुखी हैं और लोकसभा सीट यहाँ की 14 हैं, राज्यसभा सीट 7 हैं, विधानसभा सीट 126 हैं। भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है बांग्लादेश की, राजधानी है ढाका, करेंसी टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया है। और फिर थावरचंद गहलोत हमारे देश के सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जो हैं फ्रेंड्स इन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है। किरण रिजिजू हमारे देश के खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात गुजरात की हुई है, राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने किसे महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी डेविड हैम्प। डेविड हैम्प को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है डेविड हैम्प की, डेविड हैम्प जो है बरमूडा के पूर्व क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में देवयानी उत्तम खोबड़ागड़े को भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी कंबोडिया। कंबोडिया देश में देवयानी उत्तम खोबड़ागड़े को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे कंबोडिया की बात हुई है, कंबोडिया एशिया महाद्वीप में है, राजधानी है फनोमपेन, करेंसी है कंबोडियन रियल, प्रधानमंत्री हैं हुन सेन कंबोडिया के।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के साथ और किसकी जयंती मनाई गई है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई है। और फ्रेंड्स, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य में मैट्रिक परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को अनुदरम बोरुआ अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, असम। असम राज्य में मैट्रिक परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को अनुदरम बोरुआ अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसने 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, आरती रघुनाथ। आरती रघुनाथ को 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और फ्रेंड्स, जो अर्जुन मुंडा है ये केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय हैं हमारे देश के, मंत्री हमारे देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने कृतज्ञता नामक पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, असम। असम राज्य की सरकार ने कृतज्ञता नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, इस पोर्टल का उद्देश्य मोबाइल पर और पेंशन संबंधी जानकारी उपलब्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में एस अर्पणा को केंद्रीय औषधि विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात राज्य में एस अर्पणा को केंद्रीय औषधि विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, ये जो एस अर्पणा है ये पीडी बघेला का जगह लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे गुजरात की बात हुई है, गांधीनगर राजधानी है, विजय रूपानी मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ हैं, लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 182 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं, इससे पहले विराट कोहली और सुरेश रैना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने किसे वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, कर्टनी वॉल्श। कर्टनी वॉल्श को वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिंद्रा ग्रुप ने किसे कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी CTO नियुक्त किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, मोहित कपूर को। मोहित कपूर को महिंद्रा ग्रुप ने कार्यकारी उपाध्यक्ष और CTO नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा राज्य अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों में नल जल कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, गोवा। गोवा राज्य जो है फ्रेंड्स, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों को नल जल कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात गोवा की हुई है, राजधानी पणजी है, प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय वर्धन को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है विजय वर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरो मोटोकॉर्प्स कंपनी ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, BS धनोवा। BS धनोवा को हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने अपना निदेशक नियुक्त किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प की बात हुई है, भारत की ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है, स्थापना 19 जनवरी 1984 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, MD & CEO हैं पवन मंजूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरणजीत सुरेंद्र सिंह अत्रा को किस बैंक का CFO नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, SBI बैंक का। चरणजीत सुरेंद्र सिंह अत्रा को SBI बैंक का नया CFO नियुक्त किया गया है। CFO का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, मुख्य वित्तीय अधिकारी। बात फ्रेंड्स यहाँ पे SBI की हुई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। और फ्रेंड्स, अभी जो नए बने हैं वो दिनेश खारा हैं, ठीक है, और MD हैं अश्वनी भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनफिनिश्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी,
प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने अनफिनिश्ड नामक पुस्तक को लिखा है। और फ्रेंड्स प्रियंका चोपड़ा जो है भारतीय अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, WHO के अनुसार किस दशक को डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए 2020 से 2030। WHO के अनुसार फ्रेंड्स जो 2020 से 2030 का जो दशक है इसे डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया गया है, यह आपने ध्यान रखना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे WHO की हुई है, फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, मुख्यालय जेनेवा में है और अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्रेनोम। ये भी आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्विट्जरलैंड के किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम जीता है। सही आंसर है ऑप्शन डी स्टेन वावरिंका। स्टेन वावरिंका ने 150वां ग्रैंड स्लैम जीता है, स्विट्जरलैंड देश के खिलाड़ी हैं। और फ्रेंड्स ये टेनिस खिलाड़ी हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिजियोलॉजी या मेडिसिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों, एक है हार्वे जे अल्टर, दूसरे हैं चार्ल्स एमराइस, तीसरे हैं माइकल ह्यूटन। इन तीनों को फिजियोलॉजी या बोल सकते हो मेडिसिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है, ये आपने ध्यान रखना। फ्रेंड्स ये जो हार्वे जे अल्टर है अमेरिका के हैं, चार्ल्स एमराइस ये भी अमेरिका के हैं और माइकल ह्यूटन ये ब्रिटेन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है। और फ्रेंड्स भारत में जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और विश्व शिक्षक दिवस 2020 की थीम है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिनिंग द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के शासक सबीर अल अहमद अल सबा का निधन हो गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए कुवैत। कुवैत देश के फ्रेंड्स शासक हैं सबीर अल अहमद अल सबा, इनका निधन हो गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है कुवैत देश की, कुवैत जो है एशिया महाद्वीप में है, राजधानी कुवैत सिटी है, करेंसी है कुवैती दिनार, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी रतन टाटा। रतन टाटा को इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। और फिर रतन टाटा जो है टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हिंदुस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के 74वें सत्र को संबोधित किया है। सही आंसर है ऑप्शन डी पीयूष गोयल ने। और फ्रेंड्स जो पीयूष गोयल हैं ये हमारे देश के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाया गया है। और फ्रेंड्स विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2020 की थीम है सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का भारतीय दूतावास सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला दूतावास बन गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी मैडागास्कर। मैडागास्कर देश का जो फ्रेंड्स भारतीय दूतावास है ये सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला दूतावास बन गया है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक जरूर करिए और इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो। और फ्रेंड्स मेरा एक चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, फ्रेंड्स इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स ये जो मेडागास्कर है ये अफ्रीका महाद्वीप में है, राजधानी है एंटाना नेरिवो, करेंसी है एरियरी और राष्ट्रपति हैं आंड्री राजोइलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर 2023 विश्व टेबल टेनिस चैंपियन की मेजबानी करेगा। सही आंसर है ऑप्शन सी डर्बन। डर्बन जो फ्रेंड्स शहर है ये 2023 विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और फ्रेंड्स डर्बन शहर जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट लाइवलीहुड अवार्ड्स 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त सभी, एलेस बालियत्स्की, नसरीन सोतेडेहा, ब्राइन स्टीवेंसन और लॉटी कनिंगम व्रेन। इन सभी को फ्रेंड्स राइट लाइवलीहुड्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा शहर सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में शीर्ष पर रहा है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी सिंगरौली। सिंगरौली शहर जो है फ्रेंड्स ये सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में नंबर एक पर रहा है। और फ्रेंड्स जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है इसका फॉर्मूला होता है SO2 और ये एक जहरीली गैस है, ठीक है ये आपने ध्यान रखना है। सिंगरौली जो है फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश शहर में स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन में टॉप 3 शहर हैं, नंबर 1 पे तो सिंगरौली बताया मैंने आपको, नंबर 2 पे नैवेली है और नंबर 3 पे कोरबा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान पहल को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है इसका आंसर, पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान पहल को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने उड़ीसा के बालासोर से शौर्य मिसाइल SLBM K-15 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, DRDO। DRDO ने फ्रेंड्स उड़ीसा का जो बालासोर है यहाँ से शौर्य मिसाइल SLBM K-15 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात DRDO की हुई है, फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष का नाम है जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर इसका फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को फ्रेंड्स हर साल विश्व प्राकृतिक दिवस यानी वर्ल्ड नेचर डे मनाया जाता है। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रकृति की स्थिति, जलवायु परिवर्तन और संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉर्डर इलाके में 7,796 करोड़ के कम्युनिकेशन नेटवर्क के किस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, ESCON Phase 4। ESCON Phase 4 जो है फ्रेंड्स ये बॉर्डर इलाके में कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है और फ्रेंड्स इसकी जो लागत है 7,796 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 10 लाख हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए 409 करोड़ का समझौता किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, EEL। EEL कंपनी जो है फ्रेंड्स इसके साथ 10 लाख हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए 409 करोड़ का समझौता हुआ है, रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है। और फ्रेंड्स ये जो EEL है इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, यह किस सेना की अधिकारी हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, भारतीय वायुसेना की। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ये भारतीय वायुसेना से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को फ्रेंड्स हर साल विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रीमियम कपास को वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में किस नाम से जाना जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, कस्तूरी कॉटन। कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा भारतीय प्रीमियम कपास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में किस सशस्त्र बल की पर्वतारोही टीम ने गंगोत्री द्वितीय शिखर पर चढ़ाई पूरी की है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, ITBP। और फ्रेंड्स यहां पे बात ITBP की हुई है, इसका फुल फॉर्म होता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में प्रदीप कुमार रावत को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नीदरलैंड में। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात नीदरलैंड की हुई है, राजधानी है एम्स्टर्डम, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री मार्क रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया कंपनी स्वदेशी कैल्शियम नाइट्रेट बनाने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, वडोदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में फ्लिपकार्ट का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, हरियाणा में। हरियाणा में फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, विवांधर प्रधान। विवांधर प्रधान जो है इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC का महासचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है, इनका संबंध किससे है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, महात्मा गांधी से। दक्षिण अफ्रीका ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है, इनका संबंध है महात्मा गांधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत।
भारत देश ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम एक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी विजया राजे सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 10 अक्टूबर को हर साल मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड 2020 की थीम है एक्सेस टू काउंसिल अ मैटर ऑफ लाइफ और डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने दिसंबर 2020 से किस सेवा को 24 घंटे उपलब्ध करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन ए आरटीजीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन ने। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है ग्रैंड प्रिक्स की, एक तरह का कार रेस होता है और जो लुइस हैमिल्टन है फ्रेंड्स ये ब्रिटेन देश के रहने वाले हैं, मर्सिडीज़ के रेसर हैं, ये नंबर एक पे रहे हैं। मैक्स वर्स्टैपेन जो हैं ये नीदरलैंड के हैं और ये रेडबुल के रेसर हैं, ये नंबर दो पे रहे हैं। डैनियल रिकॉर्डो ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये नंबर तीन पे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती कब मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर देश की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली में। नई दिल्ली में फ्रेंड्स देश की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें फ्रेंच ओपन 2020 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए राफेल नडाल। राफेल नडाल ने 13वें फ्रेंच ओपन 2020 में मेंस सिंगल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य जो है फ्रेंड्स ये पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और फ्रेंड्स ये जो पिरूल है, जो चीड़ के पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं फ्रेंड्स उनको पिरूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को फ्रेंड्स हर साल विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी श्रीकांत दातार। श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स ये जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है ये अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य की सानवी एम प्राजित को ने एक घंटे में 33 तरह की डिश बनाकर एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्डल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे जो है हर्डल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। और फ्रेंड्स ये जो अजिंक्य रहाणे हैं भारतीय क्रिकेटर हैं और हर्डल जो है फ्रेंड्स स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है। संस्थापक एंड सीईओ हैं सुहेल नरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया गया है। और फ्रेंड्स विश्व मानक दिवस 2020 की थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। और फ्रेंड्स का पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लेना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके। किस बैंक ने गूगल पे और वीजा के साथ मिलकर एस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है? आंसर है ऑप्शन ए गोवा में। गोवा के राज्य की सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए केरल।
केरल राज्य जो है फ्रेंड्स ये हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बात केरल की हुई है, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, मुख्य न्यायाधीश हैं एस मनी कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद शुरू की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 के मुताबिक किसने उद्यमियों की लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, नितिन कामत ने। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन से पुरस्कार की शुरुआत की है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, अर्थ शॉर्ट प्राइज। अर्थ शॉर्ट प्राइज को शुरू किया है प्रिंस विलियम्स ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 100 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको जो इस वीडियो का PDF है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लेना। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए। टेलीग्राम फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो रवि स्टडी IQ GK के नाम से। फ्रेंड्स मेरा एक नया चैनल भी है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, रवि स्टडी IQ GK 2.0, रवि स्टडी IQ GK ब्लॉग्स। फ्रेंड्स इन तीनों चैनल को फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और फ्रेंड्स आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और फ्रेंड्स मेरा वेबसाइट है रवि स्टडी IQ GK.com, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको फ्री में नोट्स मिल जाते हैं, यहाँ से फ्रेंड्स आप नोट्स रीड कर सकते हो। स्पेशल व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड्स इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।